मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करो। एक पल में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे नहीं पता वो सब क्या चाहते हैं। तू मेरा गुरूर है, मेरा मान है। मेरी माँ ने यह भी सिखाया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी राधा क्या। माधुरी दीक्षित कि अनिल कपूर के साथ काम नहीं करना चाहती थी श्रीदेवी, बेटा को दिल से बड़ा क्यों बनाना चाहते थे अनिल। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं निष्का त्यागी। क्या आप जानते हैं अपनी अदाओं से लाखों को कायल कर देने वाली माधुरी का ये गाना कई साल पुराना है। जी हाँ, ये गाना साल 1992 में आई फिल्म बेटा का है। अब कई सालों बाद इस फिल्म का एक सीक्वल बन रहा है जिसमे कहानी को आगे बढ़ता दिखाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, उससे पहले हम आपको पिछली फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि फिल्म का नाम पहले बड़ी बहू चुना गया था। तो दोस्तों बता दूं कि इसे इलैया राजा ने कंपोज किया था जिसमें श्रीदेवी और चिरंजीवी मुख्य कलाकार थे। ये फिल्म दिल से पहले लॉन्च हुई थी पर दोस्तों किन्हीं फाइनेंशियल कारणों की वजह से रुक गई। तो दोस्तों फीमेल लीड का रोल खास तौर पर श्रीदेवी को ध्यान में रखकर लिखा गया था, पर उन्होंने दो कारणों के चलते इसे छोड़ दिया। पहली वजह तो ये थी कि वो अपनी बाकी प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहती थी, और दूसरी वजह ये थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक हीरो के तौर पर वो अनिल कपूर के साथ पहले ही कई फिल्में कर चुकी है। भले ही श्रीदेवी ने रोल के लिए मना कर दिया हो, पर माधुरी ने भी अपने किरदार में जान डाल दी और सबको अपना दीवाना बना लिया। अब दोस्तों जहां फिल्म के सीक्वल में आगे की कहानी को जनरेशन लीप दिखाया जाएगा, वहीं हम आपको बता दें कि फिल्म में अनिल कपूर भी खास रोल में होंगे। हालांकि फिल्म में माधुरी होंगी या नहीं ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारी आने वाली वीडियोस का इंतजार करते रहिए। बहरहाल नीचे कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या माधुरी की जगह आप भी श्रीदेवी को देखना चाहते थे, या इस सीक्वल में कौन होने वाला है हमारा लीड पेयर, हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलेगा। और हमारी आज की राइटर है ऋचा गर्ग।